ये हमारा वो वेरिएंट है कायद के सिपाही का जो सबसे फेमस है, जिसको हमने ऑयल फिनिश दी हुई है इसको, और एंटीक सिल्वर इसकी प्लेटिंग है। आप ये देख रहे हैं, ये शाइन इसलिए आता है कि इसको एंड में ऑयल फिनिश दी जाती है फाइनल करके। और ये आप देखें कि इसके अंदर ये 3D रेस स्कल्पचर लेपल पेन है। इसको जिस साइड से आप देखेंगे एक डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको आएगा, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, जैसे एक नॉर्मल असल शक्ल होती है। और ये देखें आप, इसकी डेप्थ 5 mm थिक है ये, और वेस्ट कोट के ऊपर या कोट के ऊपर लगा रहे हैं तो ये परफेक्ट साइज है। ये वेरिएंट हमारा फेवरेट वेरिएंट है सर मुनीब इकबाल का, और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि असल वेरिएंट यही है सिल्वर वाला, उनको सबसे ज़्यादा यही पसंद है। ये हमारा बैज कायद के सिपाही का बैज है, जिसमें कायद आजम का स्कल्पचर मेटल लेपल पेन है। अच्छा, कई पेजेस के ऊपर मैं देख रहा था, एक दो पेजेस हैं अजीब ही तरह के, उन्होंने और भी चीज़ें बेच रहे हैं, दरमियान में उन्होंने सारिया के बैजेस भी लगाए हुए हैं। और सरप्राइजिंगली के कई पिक्चर्स को, बैजेस को उन्होंने फोटोशॉप करके, तो एक ही जैकेट के ऊपर प्लेस किया हुआ, साफ नज़र आता है कि वो फोटोशॉप्ड है। दूसरा ये कि उनके पास ये बैज अवेलेबल नहीं है। कायद का सिपाही बैज एक ऐसा बैज है जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो जो पेजेस हैं उन्होंने सिर्फ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, हमारी पुरानी पिक्चर्स जब हम वाटर मार्किंग नहीं करते थे उनको लगा के उन्होंने इनको डिफरेंट प्राइसेस रख के, उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को इनको रखा हुआ। ऑफ कोर्स उनके पास ये बैज है नहीं, पता नहीं वो क्या बैज भेजते हैं। मार्कोर की तो रिप्लेसमेंट में वो नकली बैज भेज देते थे, लेकिन ये उनसे नकली भी नहीं बना, तो अब इसके बारे में मुझे पता नहीं कि वो क्या भेजते हैं। हो सकता है सिर्फ एक तस्वीर भेज देते हों। ये बड़ा डिफाइंड बैज है, आँखें भी आप देख सकते हैं, फीचर्स भी देख सकते हैं, और डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको ये देता है। ये हमारे सिविल सर्वेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस, पॉलिटिशियंस, यूथ पार्लियामेंट, काफ़ी लोग ये बैज पहनते हैं।